सब्जी उत्पादक किसानों से पुनः प्रारंभ की गई अवैध बाजार बैठ की वसूली को बंद कराने हेतु महापौर और कमिश्नर नगर निगम रीवा को सौंपा ज्ञापन पत्र। गौरतलब है कि 2019 के पहले भी बाजार बैठ की वसूली के नाम पर सब्जी उत्पादक किसानों को अपने उत्पाद मंडी ले जाते समय ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती गाली गलौज मारपीट करके किसानों से 100-200 रुपए तक वसूले जाते थे, जिसकी शिकायत किसानों द्वारा सांसद विधायकों से की जाती थी। चुनावी मुद्दा बनता था, परंतु चुनाव के बाद नेतागण अपना वादा भूल जाते थे। 2019 में जेपी कुशवाहा के नेतृत्व में सब्जी उत्पादक किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया। तब से अभी तक किसानों से बाजार बैठ की राशि वसूलना बंद थी, परंतु 1 मई से नेताओं की शह पाकर ठेकेदार ने पुनः वसूली प्रारंभ कर दी थी, जिसके विरोध में जेपी कुशवाहा ने एक बार पुनः सभी किसानों को संगठित किया और आज बाजार बैठ की बंद कराने के लिए रीवा महापौर एवं नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। किसान आए थे सब लोग यहाँ पे और सब्जी उत्पादक किसानों से नगर निगम में 2019 में इन लोगों ने एक बार आंदोलन किया था 2018, जिससे इन लोगों की जो सब्जी मंडी लाते थे तो इन लोगों का वसूली बंद हो गई थी। नगर निगम से जो बाजार बैठके के नाम पे वसूली की जाती थी वो बंद हो गई थी, लेकिन अभी ये 1 मई से एक ठेकेदार जबरन इनसे वसूली करने लगे, साइकिल वालों से, ऑटो में अगर सामान लदा है तो ये 20-20 रुपए ले रहे थे बाइक वालों से। तो उसी के संबंध में आज सब किसानगण इकट्ठे हुए हैं और आश्वासन मिला है महापौर जी से कि अब ना तो साइकिल वालों से लेंगे ना बाइक वालों से, और ऑटो में लदा हुआ है अगर कुछ सब्जी लदी हुई है तो सिर्फ ऑटो का 5 रुपया लेना है, सब्जियों का नहीं लगेगा। तो आज हम अभी ये आश्वासन मिला है, अब देखें आगे क्या करता है नगर। ऐसा क्यों है कि बार बार चालू कर दिया जाता है ये वसूली? बार बार क्या है, अब ठेकेदार जो हैं, और हमें तो ये लगता है ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन, यहाँ के जो मंत्री मिनिस्टर और ये सब चुने जाते हैं, चाहे वो महापौर हो चाहे विधायक हो, वो सब रिश्तेदारी रहती है और वो अपने रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में ये बार इसको ढीलापन छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि हमारे किसान बहुत साधारण हैं, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि इनको बस वो सामने खड़े हैं तो वो अपने से जाके दे देते हैं कि लो भैया, डरते इतना है। और कई जगह तो ऐसे इतने दारू पिए हुए रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब वो अपने उनका कुछ ऐसा लगता है जिनका कोई स्वाभिमान ही नहीं है, इस डर से वो जबरदस्ती वसूली करते रहते हैं। किसानों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं: सब्जी उत्पादक किसानों की बाजार बैठ की वसूली पूरी तरह से बंद कराई जाए। ठेकेदार किसानों के अतिरिक्त अन्य लोगों भी निर्धारित राशि से अधिक वसूली करते हैं, अतः वसूली के स्थान पर स्पष्ट दिखता हुआ रेट सूची लगाई जाए। वसूली के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा, जिसका डिस्प्ले नगर निगम एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हो, लगाया जाए। अक्सर ठेकेदार के कर्मचारी बिना निर्धारित यूनिफॉर्म एवं नशे में देखे जाते हैं, अतः वसूलीकर्ता निर्धारित यूनिफॉर्म में एवं नशा किए हुए नहीं होना चाहिए। जितने भी किसानों से 1 मई से वसूली की गई है उसे वापस करवाया जाए एवं नगर निगम और ठेकेदार के बीच हुई संविदा की शर्तों को पूर्ण रूपेण पालन करवाया जाए। यदि ठेकेदार शर्तों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। रीवा के अन्य नागरिक जो सामान अपने घरेलू उपयोग के लिए ले जाते हैं उनसे भी किसी प्रकार की वसूली निकाली जाए। महापौर ने सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है और बताया कि किसानों से जो रास्ते में अपनी सब्जी का क्रय विक्रय नहीं करते हैं उनके लिए बाजार बैठ की वसूली लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक ठेकेदार अवैध वसूली करते थे, जिस पर मैं अंकुश लगा दूंगा। किसानों से बाजार बैठ की नहीं वसूली जाएगी, ये सुनकर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। ज्ञापन सौंपते समय लगभग 300 किसान शामिल थे। ये जो अवैध वसूली चल रही है, MIC ने आगे ही निर्णय ले लिया था कि जो बाजार बैठ की तो उनके खिलाफ 1000 टैक्सी बाजार बैठ की उसे जो वसूली करेंगे अवैध, उनसे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, FIR कराया जाएगा अवैध वसूली के ऊपर, और 21,000 रुपए का फाइन है। 21,000 का फाइन है ना है? और जो साइकिल स्टैंड में अवैध वसूली करेंगे, टैक्सी स्टैंड में वो वसूली करेंगे, उनके ऊपर 11,000 का फाइन है। और अभी जो सब्जी व्यापारियों ने, जो किसान है, व्यापारी नहीं, जो किसान है, इन्होंने अपनी समस्याओं को बताया है, उसके लिए कल हम सारे जितने हमारे ठेकेदार हैं बाजार बैठ की, टेम्पो टैक्सी और साइकिल स्टैंड वालों का, सबको हमने कल मीटिंग बुलाई है 11 बजे, और सारी मीटिंग करके हम उसका निराकरण करेंगे और इसके बाद इनके जो जो इनको दिक्कतें हो रही उस दिक्कत से निजात